करेली की एक दिव्यांग युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करेली पुलिस से एक महिला ने शिकायत की लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को पीड़िता को नारी निकेतन भेज दिया गया था। वहीं आज करेली थाने में एक नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि DPO पंकज मिश्रा आज उसका मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। इतना ही नहीं, करेली थाना इंस्पेक्टर अरविंद गौतम ने बताया कि पीड़ित की ओर से मिली तहरीर के आधार पर नामजद रसूलपुर के निवासी संजय सहित कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दिव्यांग युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। 2 साल पहले उसके पिता घर से निकल गए थे और कभी लौटकर वापस नहीं आए। वहीं युवती के भाई का पिछले 7 महीने से कोई भी पता नहीं। इस वक्त माँ और बेटी अकेली रहती हैं। वहीं एक संस्था से जुड़ी महिलाएं पीड़िता को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री से मुलाकात की थी। महिलाओं ने बताया कि मोहल्ले के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिव्यांग युवती से गैंग रेप किया था। उन्होंने 18 जुलाई को करेली पुलिस से शिकायत की लेकिन इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो वहीं DM ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही युवती का मेडिकल कराने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित भी किया था। DM के निर्देश पर आज युवती का मेडिकल भी कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।